पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यूपी एटीएस ने सीमा और सचिन से दो दिन में 20 घंटे से भी ज्यादा पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान कई खुलासे हुए हैं, जिसके बाद ये साफ हो गया कि सीमा हैदर के जासूस होने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। अब सवाल, जिस तरह से सीमा हैदर भारत में घुसी है, क्या उसे पाकिस्तान डिपोर्ट करने की तैयारी हो रही है? क्या सीमा पाकिस्तान भेजी जाएंगी? क्या यूपी पुलिस सीमा को डिपोर्ट करने की तैयारी कर रही है? इस पूरे मामले में यूपी सरकार का क्या कहना है, सुनिए। जांच पूरी होने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। अभी हम यही आपको बता सकते हैं कि मामला बहुत ही संवेदनशील है, देश की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए बहुत ही उच्च स्तरीय जाँच हो रही है और जाँच बिंदुओं को भी स्पष्ट कर दिया गया है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं देंगे। हम और सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से इस बारे में बात की गई, तो उन्होंने साफ कहा कि वापस भेजने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नहीं, अभी अभी इतनी जल्दी ये मामला दो राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही, क्या? नहीं नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सब? सीमा से पूछताछ के बाद यूपी एटीएस ने जो ब्रीफ नोट तैयार की है, उसमें शुरुआती तौर पर प्यार के एंगल का ही मामला दिख रहा है। सीमा बार बार कह रही है कि वो घर बेचकर यहां आई है, वो बहुत ही गरीबी में रहती थी। लेकिन एटीएस ने खुलासा किया है कि सीमा को उसका पति गुलाम हैदर सऊदी अरब से हर महीने 70 से 80 हजार रुपए भेजता था। मकान का किराया और बच्चों की फीस देने के बाद 20 से 25 हजार रुपए बच जाते थे। इन्हीं पैसों से सीमा ने दो कमेटी डाल रखी थी, जिससे 2 लाख रुपए मिले। सीमा को सालाना 4 से 5 लाख रुपए की बचत होती थी। सीमा ने 12 लाख का मकान खरीदा। भारत आने के लिए 3 जनवरी 2022 को उसने इसे बेच दिया। यूपी एटीएस से पूछताछ में कई और खुलासे भी हुए हैं। जांच के दौरान सीमा के तीसरे फोन का सुराग मिला। इस फोन के बारे में जब उससे सवाल हुए, तो सीमा हैदर कोई जवाब नहीं दे पाई। शक है कि इसमें उसके कई राज हो सकते हैं, इसलिए एजेंसी डेटा खंगाल रही है। पबजी खेलने के दौरान सीमा को प्यार हुआ और वो सब कुछ छोड़कर इल्लीगल तरीके से भारत आ गई। अब सवाल है कि सीमा और सचिन की प्रेम कहानी का क्लाइमेक्स क्या होगा? 4 बच्चों के साथ क्या सीमा को पाकिस्तान लौटना होगा?